नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पॉकेट ट्रैवलर पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं सबसे बजट में की गई ट्रिप्स और जगह विशेष के हिडन जेम्स। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुजरात के एक बेहद ही धार्मिक स्थल की, जिसका नाम है सोमनाथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सोमनाथ कैसे पहुँचा जाए, सोमनाथ पहुँचकर कहाँ रुका जाए, सोमनाथ पहुँचकर कहाँ घूमा जाए, कैसे आप सोमनाथ कवर कर सकते हैं, क्या क्या इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं, क्या क्या मस्ट विजिटेड प्लेस हैं सोमनाथ में, कितने दिन लगेंगे आपको सोमनाथ पूरा कवर करने में, और इन द एंड ऑफ द वीडियो हम आपको बताएंगे क्या बजट होने वाला है इस पूरी ट्रिप का। तो दोस्तों, एक भी डिटेल को बिल्कुल मिस मत करना और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में हम आपको आइटेनररी भी बनाएंगे कि कैसे आप कंप्लीट कर सकते हैं सोमनाथ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया करे ये जानकर कि सबसे पहले सोमनाथ पहुँचा कैसे जाए। तो दोस्तों, सोमनाथ की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको केशोद एयरपोर्ट तक की फ़्लाइट मिल जाएगी। केशोद एयरपोर्ट से सोमनाथ की दूरी 58 किलोमीटर की है। और अगर आपको बाई चांस आपके शहर से केशोद एयरपोर्ट की फ़्लाइट नहीं मिलती है तो आप दीव एयरपोर्ट आ सकते हैं। दीव एयरपोर्ट से सोमनाथ की दूरी 84 किलोमीटर की है। तो आप दीव से, बस से या कैब से आराम से सोमनाथ पहुँच सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं रेलवे मार्ग की। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन सोमनाथ ही पड़ेगा। आप वहां से सोमनाथ तक की ट्रेन बुक कर सकते हैं। और अगर आपको सोमनाथ तक की ट्रेन नहीं मिल रही है तो आप वेरावल जंक्शन भी आ सकते हैं, और फिर वेरावल जंक्शन से शेयरिंग बेसिस ऑटो पर या 50 रुपये में ऑटो कर सोमनाथ आ सकते हैं, जो वहाँ से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर हम सड़क परिवहन की बात करें तो आप बस से भी, कहीं से भी सोमनाथ आराम से आ सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा दूर हैं तो आप गुजरात के किसी भी मेन सिटीज़ में पहुंच जाइए, जैसे अहमदाबाद, राजकोट, फिर वहां से आप सोमनाथ के लिए बस या कैब कुछ भी ले सकते हैं। तो रेलवे मार्ग, सड़क मार्ग और हवाई मार्ग, तीनों की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है सोमनाथ से। तो दोस्तों, सोमनाथ पहुंचकर आपको चाहिए एक स्टे। अब बात करते हैं स्टे की। स्टे चाहे तो आप सोमनाथ ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर भी बुक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आपको नीचे शो हो रहा होगा। आप उसी ही वेबसाइट पर जा कर के स्टे बुक कीजिए, और कोई फेक वेबसाइट यूज़ मत कीजिएगा, वरना आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। ये स्टेज आपको सोमनाथ टेंपल के पीछे की तरफ ही मिल जाएंगे। यहाँ आपको लग्जीरियस स्टे से लेकर डॉर्मेट्री तक आपको स्टे आराम से मिल जाएंगे। यहाँ पर 5 तरीके के अतिथि गृह हैं। सागर दर्शन अतिथि गृह है, जो कि थोड़ा प्रीमियम स्टेज में आ जाता है। लीलावती और महेश्वरी अतिथि गृह, यह थोड़ा मीडियम रेंज में आ जाता है। और उसके बाद अगर आप डॉर्मेट्री बुक करना चाहते हैं तो डॉर्मेट्री भी बुक कर सकते हैं, जिसका प्राइस सिर्फ 90 रुपीज़ होगा। और सांस्कृतिक भवन भी है। अगर जैसे मान लीजिए आप फैमिली आ रहे हैं 15-20 जनों की, तो आप यहाँ पर आकर स्टे कर सकते हैं। यहाँ 20 जनों का मात्र 450 किराया लगेगा। तो आप अगर उस अकॉर्डिंग प्लान करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप प्लान कर सकते हैं। और डॉर्मेट्री का मैं आपको बता दूं कि आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर सकते, आपको वहाँ जाकर ही बुकिंग करनी पड़ेगी। डॉर्मेट्री के वहाँ पर 4 फ्लोर हैं और हर फ्लोर पर 80 बेड्स हैं, जिसमें 4 हॉल हैं। पर हॉल 20 बेड्स एलोकेटेड किए गए हैं। और अगर आप चाहें प्री बुकिंग कराना तो आप उन पर कॉल कर भी प्री बुक करा सकते हैं। ये तो बात हुई धर्मशाला की। अगर आप चाहें तो यहाँ प्राइवेट होटल्स, रिसॉर्ट भी बुक कर सकते हैं। वो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपको धर्मशाला बुक करनी है या प्राइवेट रिजॉर्ट और होटल्स। स्टे के बाद बात आती है कि अब सोमनाथ में आकर घूमा कहाँ जाए, क्या क्या दर्शनीय स्थल हैं। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले सोमनाथ मंदिर से। सोमनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पुराना और सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। यह मंदिर अत्यंत प्राचीन व ऐतिहासिक मंदिर है। यह भारतीय इतिहास तथा हिंदुओं के चुनिंदा और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है, जिसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रदेवता ने दक्ष प्रजापति राजा की 27 कन्याओं से विवाह किया था, लेकिन उनमें से रोहिणी नामक अपनी पत्नी को अधिक प्रेम व सम्मान किया करते थे चंद्रदेव। तो इसको देखकर क्रोध में आकर राजा दक्ष ने चंद्रदेव को शाप दिया था कि उनका वर्चस्व, उनका तेज, उनकी सुंदरता हर दिन अब क्षीण होती रहेगी। तो इस शाप से बचने के लिए उन्होंने शिवजी की तपस्या की, शिवजी को प्रसन्न करा, और तभी से माना जाता है कि यहाँ पर शिवजी का निवास है। इसके साथ साथ यह मंदिर अपने उत्थान पतन के इतिहास का भी प्रतीक रहा है।
अत्यंत वैभवशाली होने के कारण इतिहास में कई बार इस मंदिर को तोड़ा तथा पुनर्निर्मित किया गया है। माना जाता है यह मंदिर अब तक 17 बार तोड़ा गया है और उसे उतनी ही बार पुनर्निर्मित किया गया है। वर्तमान जो मंदिर है उसका निर्माण स्वतंत्र भारत के लौह पुरुष गुजरात के बेटे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया है। इसी वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल का मंदिर परिसर के बिल्कुल सामने एक स्टैचू भी बनवाया गया है। सोमनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध धार्मिक व पर्यटन स्थल है जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मंदिर जाने से पहले मैं आपको बता दूं। इसके अंदर लेदर का वॉलेट, बेल्ट या फ़ोन वगैरह, कोई भी कैमरा, किसी भी तरह का कुछ अलाउड नहीं है। तो आप इन्हें अपने रूम पर छोड़कर आ जाएं या मंदिर के बाहर फ्री लॉकर सर्विसेज में भी जमा करा सकते हैं। फिर लाइन में लगकर मंदिर के गर्भगृह तक आपको पहुँचना है जो कि पूरा सोने का बना हुआ है। यहाँ शिव जी की एक शानदार अद्भुत शिवलिंग रखी गई है जो अपने आप में ही केवल अकेली है। इस मंदिर की आरती एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस वाली आरती होती है, तो आप इस आरती को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इस आरती के बाद आपको असीम शांति और असीम आनंद की प्राप्ति होगी। जितना जोर से चाहे आप वहाँ पर चिल्ला सकते हैं हर हर महादेव। ये आरती दिन में 3 टाइम होती है, सुबह 7 बजे, दिन में 12 बजे और शाम को 7 बजे। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप शाम वाली आरती ज़रूर लें, क्योंकि आरती लेने के बाद एक ऑडिटोरियम है मंदिर परिसर के पीछे जहां पर लाइट एंड साउंड शो भी किया जाता है जिसका टिकट प्राइस मात्र 30 रुपये है। इस लाइट एंड साउंड शो में आपको पूरा का पूरा सोमनाथ मंदिर की पूरी हिस्ट्री बताई जाती है, कितनी बार टूटा, कैसे टूटा, फिर वापस कितनी बार बना और इस मंदिर की कहानी क्या है। और ये कहानी बॉलीवुड के महानायक और गुजरात टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ में सुनाई जाती है। इस मंदिर के गर्भगृह में जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो अगर आपको पूजन दर्शन करने हो तो इसके लिए मंदिर के पीछे एक पुराना सोमनाथ का मंदिर है जिसे अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था, आप उसे भी जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं और वहां पर आप पूजन दर्शन शिवलिंग का कर सकते हैं। जब आप लाइट एंड साउंड शो के बाद बाहर निकल रहे होंगे तो वहां पर एक बाण स्तंभ भी है, उसको ज़रूर देखिएगा। वो उस टाइम का एस्ट्रोनॉमिकल का एक अलग अपने आप में अजूबा है। वो तीर उस डायरेक्शन में लगाया गया है जिसमें माना जाता है कि समुद्र के इस बिंदु से दक्षिणी ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी बाधा नहीं है, मतलब कि उस जगह पर एक भी लैंड या माउंटेन नहीं है। तो ये उस टाइम पर ही एस्ट्रोनॉमर्स ने ज्ञात कर लिया था। तो ये बाण स्तंभ भी अपने आप में ही एक अलग अजूबा है। रात में मंदिर का दृश्य बहुत ही मनमोहक लगता है, वहाँ की लाइटिंग आपको बहुत आकर्षक लगेगी। मंदिरों की दीवारों पर भी शानदार रुचाई की गई है, तो ये मस्ट विजिटेड प्लेस है सोमनाथ का। अगर आप दिन में आ रहे हैं तो आप देखेंगे कि मंदिर के पीछे एक थोड़ा पैसेज भी है जहाँ पर साइकिलिंग वगैरह आप कर सकते हैं और वहाँ पर आप समुद्र तट का आनंद ले सकते हैं। और इस साइड में एक सोमनाथ बीच भी है जहाँ पर आप कैमल राइड आदि इत्यादि भी कर सकते हैं और बीच का आनंद भी ले सकते हैं। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद आप एक ऑटो लीजिए जो आपको सोमनाथ की सारी जगह कवर करवा सकता है, जिसका प्राइस मात्र 400 या 500 रुपए होगा, या आपकी बार्गेनिंग स्किल्स पर भी डिपेंड करता है। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बाद अगला प्लेस है भालका तीर्थ। भालका तीर्थ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से 5.1 किलोमीटर की दूरी पर है। भालका तीर्थ वो जगह मानी जाती है जहाँ जरा नामक शिकारी ने श्री कृष्ण को पीपल के पेड़ के नीचे तीर मारा था। इस पीपल के पेड़ के नीचे श्री कृष्ण जी आराम कर रहे थे और जरा नामक शिकारी ने उनके पैर को हिरण का पैर समझकर उन पर तीर चला दिया था जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये वही जगह है जहाँ पर आज भी श्री कृष्ण की वो लेटी हुई मूर्ति वहाँ पर रखी गई है। आप मोस्टली हर जगह देखेंगे, हर मंदिर में श्री कृष्ण जी की खड़ी मूर्ति रखी जाती है, लेकिन यही एक मंदिर है जहाँ पर श्री कृष्ण जी की लेटी हुई मूर्ति रखी गई है। और ये वो पेड़ है जिसके नीचे श्री कृष्ण जी बैठे थे जब जरा नामक शिकारी ने उन पर हमला किया था। ये जगह भी आप जब सोमनाथ जाएं तो ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। इसके बाद अगली जगह है बाण गंगेश्वर। माना जाता है यही वो जगह है जहां से जरा नामक शिकारी ने श्री कृष्ण जी पर तीर चलाया था। बाण गंगेश्वर भालका तीर्थ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और ये जगह इसलिए भी विख्यात है क्योंकि यहाँ पर 5 प्राकृतिक शिवलिंग हैं जो पानी के इतने फ्लो के बाद भी आपको ऊपर दिख जाते हैं। लेकिन कई बार पानी इतना ज़्यादा होता है कि आपको 5 शिवलिंग नहीं दिख पाते, 2 या 3 शिवलिंग ही दिख पाते हैं। आप जब इस जगह जाएं तो थोड़ा संभल कर जाइएगा क्योंकि यहाँ पर टाइड्स काफ़ी तेज होती हैं।
तो जब आप सोमनाथ जाएं तो आप इस जगह को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं गुजरात के सोमनाथ के नवीनतम मंदिरों में से एक श्री राम मंदिर में। यह भी सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है। यह अभी जल्दी में ही बना है 2017 में। आप इस मंदिर को जाकर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस मंदिर में दो तल हैं। पहले तल पर एक ऑडिटोरियम रखा गया है और दूसरे तल पर श्री राम जी का एक मंदिर बनाया गया है। यह मंदिर बाण गंगेश्वर से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार को श्री राम जी के धनुष के रूप में आकार दिया गया है। माना जाता है कि यहाँ की बालकनी से आप सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ तट, त्रिवेणी संगम, परशुराम मंदिर, सूर्य मंदिर और गीता मंदिर भी आप देख सकते हैं। मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर ऑडिटोरियम में 250 प्लस कुर्सियों के साथ सभागार, कीर्तन हॉल एवं थिएटर भी स्थापित किया गया है। इस मंदिर परिसर में आप श्री परशुराम मंदिर, जल प्रभास कुंड, श्री आदित्य प्रभास कुंड और गणेश जी के मंदिर भी देख सकते हैं। यह मंदिर सुबह 6 बजे से शाम को 9 बजे तक खुला रहता है और यहाँ पर 2 बार आरती होती है, सुबह 6:15 बजे और शाम को 7 बजे। तो आप आरती का भी आनंद ले सकते हैं। इस मंदिर परिसर में प्रवेश करते हुए श्री कृष्ण जी की एक भव्य प्रतिमा भी रखी गई है। फिर आप यहां से 200 मीटर की दूरी पर सूर्य मंदिर भी जा सकते हैं, जहां पर सूर्य देव और छाया देवी की प्रतिमा स्थापित की गई है। यहां के मंदिरों की दीवारों पर और भी भगवानों की मूर्तियां हैं। यह सूर्य मंदिर गुजरात का सबसे पुराना सूर्य मंदिर है। कहा जाता है पांडवों ने यहां अज्ञातवास के समय सूर्य देव की पूजा की थी। इसके बाद हम गए यहाँ से त्रिवेणी संगम देखने। त्रिवेणी संगम यहाँ पर हिरण्य नदी, कपिला नदी और सरस्वती नदी का संगम माना जाता है। यह जगह अपने आप में ही एक विशेष महत्व रखती है। माना जाता है कि इस संगम में जिसने स्नान कर लिया उसके सारे पाप धुल जाते हैं। यह सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से 2 किलोमीटर की दूरी पर और श्री राम मंदिर से 1.2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर सुबह का सनराइज का समय काफ़ी मनमोहक और आकर्षक होता है। तो अगर आप सोमनाथ जाने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आप ज़रूर जाइएगा। इस त्रिवेणी संगम के 20 मीटर दूरी पर गोलोक धाम तीर्थ भी है। गोलोक धाम तीर्थ वही है जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने जरा नाम के शिकारी के अपने बाण के प्रहार के बाद हिरण नदी के शांत किनारे से देह के साथ गोलोक धाम की ओर प्रस्थान किया था। जब भालका तीर्थ में उनको तीर लगा तो वो वहाँ से चलकर यहाँ पर आए और हिरण नदी के शांत किनारे पर अपना देह त्याग करा और निजधाम की ओर प्रस्थान हुए। और इसी वजह से इस जगह को श्री कृष्ण निलधाम प्रस्थान या देहोत्सर्ग तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आपको काफ़ी और मंदिर के दर्शन करने को भी मिलेंगे, जैसे गीता मंदिर। इस मंदिर के पिल्लरों पर पूरी की पूरी गीता की ऊंचाई की गई है, संपूर्ण गीता इस पर अंकित की गई है। और भी जैसे श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी का भी मंदिर है। श्री कृष्ण चरण पादुका जी, यहाँ पर श्री कृष्ण की पादुकाएं रखी गई हैं। श्री बलदेव जी गुफा, बलदेव जी की गुफा भी यहाँ पर स्थापित की गई है। और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ का महादेव का मंदिर भी यहाँ पर रखा गया है। श्री महाप्रभु जी बैठक जी और श्री भीमनाथ मंदिर और 5 पांडव गुफाएं भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर 5ों पांडव भाई की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। ये भी सोमनाथ के मस्ट विजिटेड प्लेस में से एक है। नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस है शारदा मठ, जो गोलोक धाम से 600 मीटर की दूरी पर ही स्थित है और इस जगह को जगत गुरु शंकराचार्य मठ के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर 200 साल पुराना है। यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित की गई है। आदि गुरु शंकराचार्य के साथ साथ यहाँ काफ़ी मंदिर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कामनाथ महादेव मंदिर, नरसिंह मंदिर और एक यहाँ पर कुंड भी है, जिसकी यह मान्यता है कि इसमें स्नान करने से सभी रोग दूर हो जाएंगे। तो आप चाहे तो यहाँ पर भी स्नान कर सकते हैं। यहाँ कामनाथ महादेव मंदिर के अंदर जाने की काफ़ी संकरी गुफा है, तो काफ़ी ध्यान से जाइएगा। एक जना जाता है और दूसरा जना वहाँ से वापस आता है। बहुत ही ज़्यादा संकरी गुफा है कामनाथ महादेव मंदिर की। तो दोस्तों, ये थे सोमनाथ के टूरिस्ट प्लेसेस। जब आप सोमनाथ जाएं तो इन जगहों को बिल्कुल मिस ना करें। अब हम बात करते हैं आइटेनररी की, आपको सोमनाथ की ट्रिप कैसे करनी चाहिए। आप चाहें तो सुबह जल्दी यहाँ पर पहुँच सकते हैं और सुबह पहुँचकर फ्रेशन अप होकर आप पहले भालका तीर्थ, बाण गंगेश्वर, त्रिवेणी संगम, सूर्य मंदिर, गोलक धाम तीर्थ और शारदा मठ निपटा सकते हैं दिन तक। फिर आप शाम को जाकर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का मनमोहक और आकर्षक दृश्य देख सकते हैं।
तो आपको ये एक दिन में अगर आप करना चाहें तो एक दिन में पूरा सोमनाथ कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा इस ट्रिप के बजट के बारे में। बजट में सबसे पहला है आपका स्टे। स्टे आपको यहाँ पर 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक आपके बजट के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। आप चाहे तो डॉर्मेट्री बुक कर सकते हैं 90 रुपये में सोमनाथ ट्रस्ट में, और अगर आप चाहें तो प्राइवेट रूम बुक कर सकते हैं, ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप धर्मशाला में एक ठीक ठाक रूम भी बुक करते हैं तो चलो उसका किराया मान लेते हैं 600 से 700 रुपये। इसके बाद है यहाँ पर मील्स। मील्स आपको यहाँ पर अगर आप चाहें तो वहीं पर सोमनाथ ट्रस्ट में भी एक भोजनालय है, वहाँ पर जाकर आप खाना खा सकते हैं। वहाँ पर 70 से 80 रुपये की आपको गुजराती थाली मिल जाएगी, और अगर आप चाहें तो बाहर भी होटल्स वगैरह में खाना खा सकते हैं। तो मील्स का अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 200 से 300 रुपये पर डे। उसके बाद है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पर आपको काफ़ी कम खर्चा होने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपके पास में ही रहेंगी, कहीं पर ज़्यादा दूर पर नहीं है। तो आप एक ऑटो बुक कर सकते हैं जो पूरे दिन का चार्ज 400 लेगा, जो आपको पूरा सोमनाथ दर्शन कराएगा। कहीं पर भी किसी मंदिर के कोई एंट्री फीस नहीं है। हाँ, लाइट एंड साउंड शो के लिए आपको 30 रुपये की टिकट ज़रूर लेनी पड़ेगी अगर आप वो देखने के इच्छुक हैं, और अगर आप शाम को जाते हैं तो। तो अब इस ट्रिप का एस्टिमेट बजट कैलकुलेट करें तो आपको मान लिया 800 रुपये का आपका रूम हो गया, 400 का ऑटो का किराया, और मील्स एक दिन का आपका 200 रुपीज़। तो आपको ये 1500 के अंदर यहाँ पर सोमनाथ की ट्रिप पड़ जाएगी। बाकी अगर आप और बजट कट करना चाहते हैं तो जैसे मैंने बताया स्टे में आप कट कर सकते हैं। तो एक दिन की सोमनाथ की ट्रिप के बाद आप अगले दिन गिर शासन भी जा सकते हैं, जो सोमनाथ से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। तो गिर शासन का आप ऑनलाइन परमिट कैसे लें, कैसे वहां पर जाएं, क्या किराया होगा, इस पर भी हमने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और आपको आई बटन पर भी शो हो रही होगी, तो आप वहां जाकर भी उसे चेक कर सकते हैं। या आप चाहें तो सोमनाथ से दीव भी जा सकते हैं अगर आपको और बीचेस एंड ऑल एक्सप्लोर करने हैं तो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको सोमनाथ कैसे एक्सप्लोर करना है ये पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए उनके साथ जो सोमनाथ जाने का प्लान कर रहे हैं। और कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी या फिर आपका सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उस पर अमल करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप हैं आपके अपने चैनल पॉकेट ट्रैवलर पर, जहां आपको मिलती है सबसे बजट में की गई ट्रिप्स की संपूर्ण जानकारी और जगह विशेष के हिडन जेम्स। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले किसी हिडन जेम्स, अगले किसी राज्य और अगले किसी सिटी के साथ। जब तक के लिए आप मेरे साथ एक बार जोर से कहिए, हर हर महादेव।